हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज हम बात करेंगे 12th, अगर आपने अभी क्लियर करी है, 2020 के अंदर आप क्लियर करने जा रहे हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं और कौन सा सबसे बेस्ट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो हम कोर्स बता रहे हैं उसमें आपको गारंटीड 35 लाख रुपीज़ INR की जॉब आपको मिल सकती है, जो कि गारंटेड है। अगर आपका एडमिशन इस कोर्स में होता है तो 35 लाख रुपीज़ पर ईयर गारंटेड आप अर्न कर रहे होंगे विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स ऑफ योर करियर। स्टार्टिंग जो सैलरी आपकी वो करीब 22 लाख रुपीज़ पर ईयर से स्टार्ट होती है और रेंज जाती है 35, 40, 50 तक। ये कोर्स है फ्रेंड्स नर्सिंग, आप सभी ने सुना है कि नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है UK, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, न्यूजीलैंड और USA में। ये पांचों ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे नर्सिंग की सबसे ज़्यादा डिमांड है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होता। लेकिन अभी कुछ ऑप्शंस ऐसे निकल के आए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वूस्टर के अंदर एक ऑप्शन ऐसा आया है कि आप नर्सिंग विदाउट आइल्स जो है वो कर सकते हैं, विदाउट आइल्स एंड विदाउट एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम। लेकिन इसके लिए क्या क्राइटेरियाज है, एक तो मिनिमम आपकी 12th बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट आपके पास 12th में होने चाहिए, बायो प्लस मैथ्स। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज जो है वो 60 होनी चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके इंग्लिश में मिनिमम 65 मार्क्स होने चाहिए। तो आप नर्सिंग के अंदर डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं और उसका बेनिफिट ये है कि जब आप 3 साल बाद में नर्सिंग कंप्लीट करेंगे तो आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स वहाँ से निकलेंगे, आप नर्सिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं NHS में, नेशनल हेल्थ सर्विसेज में। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एडमिशन के लिए वो है फ्रेंड्स आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसके अंदर हम आपकी हेल्प करेंगे कैसे आप उसको बिल्ड कर सकते हैं। उसमें आपको देखना होता है कि कौन कौन सी सिचुएशंस आपको दी जाएगी जिसके अंदर आपका टेस्ट होगा कि कैसे आप उन सिचुएशंस में डील करते हो। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका एक इंटरव्यू होगा स्काइप पे, जिसके अंदर 2 राउंड्स होंगे, एक 1-to-1 इंटरव्यू होगा और दूसरा आपका ग्रुप डिस्कशन होगा जिसके अंदर आपकी एबिलिटीज़ वहाँ का स्टाफ देखेगा कि कैसे आप डील करते हैं एक रियल लाइफ सिनारियो पे, कि पेशेंट जब आता है तो क्या क्या व्यूज़ आपके हैं। ये इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप डायरेक्टली नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं, NHS अप्रूव्ड और रिकग्नाइज नर्स का डिग्री आपको मिलती है एज ए रजिस्टर्ड नर्स। दूसरा जो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके लिए 12th बायोलॉजी में, अगर आपका नर्सिंग में किसी वजह से नहीं हो पाता तो आपके पास न्यूट्रिशन है जिसमें मैथमेटिक्स आपकी मैंडेटरी नहीं है, 12th साइंस बायोलॉजी से है तो भी आप ये कोर्सेज कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली पेड है इन पांचों ही कंट्रीज़ में। कौन कौन से हैं, एक तो आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक डाइटिशियन का कोर्स कर सकते हैं या ऐसा कोई भी मेडिकल रिलेटेड फील्ड के अंदर आप जा सकते हैं जिसके अंदर अगर आप इंडिया में MBBS भी करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी सैलरी, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको अब्रॉड में मिलती है और बहुत ही अफोर्डेबल आपको प्राइसेस देनी पड़ती है। ट्यूशन फीस है जो वो आपकी 10-11 लाख रुपीज़ रहती है डिपेंडिंग ऑन योर परसेंटेज। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो बजट में भी हैं और हाईली रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है। इसके साथ साथ और कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में है 12th बायोलॉजी से रिलेटेड तो ये वीडियो स्पेशली 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। आगे हम अगले 3-4 वीडियोस आपको कोर्स रिलेटेड वीडियोस बताएंगे जिसके अंदर आपका अच्छा करियर बन सके और आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में मिले। तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।